रिपोर्ट रिपोर्ट चिल्लाने लग गए थे सब, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन का है। मेरे पास यार 20 दिन का रजिस्ट्रेशन था और 8 दिन का रजिस्ट्रेशन था नहीं, वो सब चिल्लाने लग गए यहाँ पे आके। और उज्बेकिस्तान वाले जाते टाइम यहाँ पे किर्गिस्तान वालों ने कुछ नहीं बोला। तो गाइस स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। सो आज हम जा रहे हैं, आज मैं छोड़ रहा हूँ किर्गिस्तान, ये मेरा लास्ट दिन है उज्बेकिस्तान का और मैं जा रहा हूँ किर्गिस्तान में। सो यहाँ से लगभग अंदिजान से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है किर्गिस्तान का बॉर्डर, दोस्तों बॉर्डर नाम है उसका। यहाँ से पहले दमास लेंगे और दमास के बाद लेंगे बस सीधे बॉर्डर के लिए। ये चाहिए हमको 222। नो दमास जा। नमस्ते नमस्ते। अमिताभ बच्चन बाबूल को जानते हैं, खरोश शाहरुख खान थे ना, शाहरुख खान। ऐसा कुछ ये बस स्टेशन है, यहाँ से हम दोस्तों की बस लेंगे। There is no bus for going to those days. So if you want, so you can go by taxi, by Damas. Damas? Yeah. You can go? Yeah. Okay. Minute. If you want to go to by bus, so you can spend only 40 minutes. By so, taxi? Yeah, by taxi. How much they are? 30,000. Is it okay? Yeah, it's okay. Okay? So, अभी टैक्सी में बैठ गया हूँ, टैक्सी पूरी भरेगी तब चालू होगी। सो हाँ, मुझे जाना बस में था पर मैं बैठ गया टैक्सी में क्योंकि उस भाई ने कहा कि टैक्सी करवा देता हूँ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट ब्लिंक नहीं हो रही। सो उस भाई ने बोला कि टैक्सी में बिठा देता हूँ उसको, मैंने बोला कि मैं बस में चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब बोले कि बस में टैक्सी में चलेंगे। सो ऐसा कुछ सीन है, किर्गिस्तान बॉर्डर का एक दिक्कत है मेरे को, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उज़्बेकिस्तान के होटल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं लोकल के यहाँ रहा था तो वो प्रॉब्लम है, होटल रजिस्ट्रेशन नहीं है। और दूसरा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वीज़ा के अलावा, वीज़ा के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना होटल बुकिंग है, क्योंकि मैं पहले ओश जाने वाला था, मैंने सारी बुकिंग ओश की करा रखी है और जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो भी ओश का है। सो मेरे पास ना होटल बुकिंग है, ना सिर्फ वैक्सीनेशन है और वीज़ा है और ना रिटर्न फ्लाइट है। सो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, मे बी रिस्की भी हो सकता है आज का खेल। और आज मेरा लास्ट दिन है, पहले मैं सोच रहा था कि 9 तारीख को ही मैं क्रॉस कर लूँगा पर हुआ ही नहीं, मैं यहाँ अंदिजान आ गया, अंदिजान एक दो दिन ले लिया। सो 9 तारीख को क्रॉस नहीं हुआ, अब देखते हैं क्या होता है। वीज़ा है, पासपोर्ट है और फोटो है, बस दो चार डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ है। वो लास्ट वाली बस शायद से जा रही है और बस में 2-3 घंटे लग जाएंगे ये बोल रहे हैं भाई साहब, मुझे बस से ही जाना था यार, पर क्या करें यार, यही दिक्कत है। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल करते हैं ना, मतलब देखो ये बंदा मेरे साथ था तो मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये इसने बोला कि ये कर देते हैं, मैं इसको ना बोल रहा हूँ कि नहीं भाई नहीं टैक्सी कर लेते हैं, इसने कहा फिर टैक्सी की बात कर ली। तो किसी के साथ आप ट्रैवल करते हैं ना तो बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है। अगर मैं अकेला जाता यहाँ पे, इतनी सी बात थी, मैं अकेला जाता तो अभी तक बस में बैठ चुका होता और निकल चुका होता, पर इस भाई ने बात इस टैक्सी वाले से बात कर ली, 30,000 में फिक्स कर दिया। हालांकि 200 रुपये कॉस्टली है, सिर्फ 40 किलोमीटर ही है तो कॉस्टली तो है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है, कॉस्टली है 200 रुपये। बस में लगभग 30-40 रुपये में मैं पहुँच जाता दोस्तों बॉर्डर, वो भी आराम से हवा खाते खाते। अब यहाँ पे ये वेट कराएगा, ये पूरे भरेगा, उसके बाद
ये कुछ ऐसा दोस्त बॉर्डर पे लगभग आ गया, आगे क्रॉसिंग है शायद, यहाँ पे शूट करना मना है। सो देखता हूँ, डॉक्यूमेंट तो काफ़ी कम है इसलिए डर लग रहा है। ऐसा कुछ है दोस्त बाजार पे जहाँ बंद शूट करने का मना बोल देंगे मैं बंद कर दूँगा। पहले मुझे पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे कैमरा बंद कर देता हूँ मैं, अब आपको किर्गिस्तान में मिलता हूँ या अभी उज़्बेकिस्तान में। सो गाइस स्वागत करता हूँ आपका एक और नई कंट्री में, किर्गिस्तान में। सो अभी मैं किर्गिस्तान में आ गया हूँ पर किर्गिस्तान के पैसे तो है नहीं मुझे पास, तो मैं कहीं पहले मनी एक्सचेंज का बात करता हूँ। द मनी एक्सचेंज उज़्बेकिस्तान किर्गिस। सो बराबर रेट है शायद से, पहली बार किर्गिस्तान का मनी देखेंगे। अब तो बस ओश दस फांसी बार, तो वो है ओश की बस। नहीं तो सो ऐसा कुछ दिखता है किर्गिस्तान। डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूँ तो काफ़ी रोक दिया था मुझे, एकदम यहाँ पे रोक ही दिया था। ऑलमोस्ट रिपोर्ट चिल्लाने लग गया था सब, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का है। मेरे पास यार 20 दिन का रजिस्ट्रेशन था और 8 दिन का रजिस्ट्रेशन था नहीं, तो सब चिल्लाने लग गए यहाँ पे आके। और उज़्बेकिस्तान वाले जाते टाइम, यहाँ पे किर्गिस्तान वालों ने कुछ नहीं बोला और उज़्बेकिस्तान में जाते टाइम उन्होंने रोक दिया एकदम से। सो पास ले लेते, पहले होश की तरफ जाते, सिम कार्ड अपन वहीं से लेंगे। तो ये बस ओश की तरफ जाती है। ओश तो स्कूल का सोम कितना 50। यार तो टैक्सी वाले ने, यार टैक्सी मतलब जो बस वाले ने बहुत दूर उतार दिया यार, मैं उसको वहाँ से बोल रहा हूँ उतार भाई, वो रोक ही नहीं रहा यार। सो आपको मैंने बताया किर्गिस्तान में आपका स्वागत है। सो यहीं कहीं मेरा हॉस्टल है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है इससे दिक्कत आ रही है, इंटरनेट से वो मैप से ही नहीं चल रहा बिना इंटरनेट, और मेरे पास पैसे भी नहीं है हॉस्टल पे करने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या सीन बनता है, उनको बोल दूंगा कि मैं बाद में पे करूंगा आपको शाम को। फर्स्ट इम्प्रेशन किर्गिस्तान का तो यही है, ओश है सिटी का नाम, ये पहली सिटी आती है जो अगर उज़्बेकिस्तान से यहाँ पे आते हो तो ओश पहली सिटी है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन तो ठीक है, थोड़ी पुअर सी कंट्री लग रही है मुझे, पर जितनी पुअर कंट्री होती है उतना मेरा फ़ायदा, चीज़ें सस्ती मिलेंगी सब इंडिया की तरह। इंडिया को पुअर कंट्री नहीं बोल रहा पर सस्ता मिलेंगे, 10 रुपये में समोसा और खाना सब सस्ता। ये तो उज़्बेकिस्तान में खाना थोड़ा सा महंगा था, मतलब अपने 1.5 गुना था इंडिया का, 1.5 गुना था, पर यहाँ पे सब सस्ता मिलेगा प्रोबेबली ऐसा लग रहा है। सो ऐसा कहीं है, अगर मेरा हॉस्टल का एड्रेस गलत हुआ ना तो मैं मर जाऊँगा। ये रास्ता है नहीं है, ये आगे वाला है। मैं आपको बता रहा था कि इमिग्रेशन पे क्या हुआ, जब उज़्बेकिस्तान से मैं निकल रहा था तो उज़्बेकिस्तान का जो एग्जिट स्टाम्प मार्क थे उन्होंने बोला कि पहले तो मुझे चेक किया, मुझसे वीज़ा मांगा था, मैंने किर्गिस्तान का वीज़ा दे दिया, तो मेरे को लगा किर्गिस्तान का वीज़ा मांग रहे होंगे, कहा उज़्बेकिस्तान का वीज़ा, उनका उज़्बेकिस्तान का वीज़ा अब क्या करोगे, फिर उज़्बेकिस्तान का दिया। उज़्बेकिस्तान का देने के बाद उन्होंने बोला कि आपके रजिस्ट्रेशन बताओ होटल का। अब मेरे पास 30 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन था और 12 दिन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, क्योंकि 12 दिन से मैं लोकल लोगों के यहीं रुक रहा हूँ,
ताशकंद में मैं 5 दिन लोकल के यहाँ रहा, 5-6 दिन मैं अंदिजान में, और दो चार दिन अंदिजान में, और 5-6 दिन में क्या बेशारिक नसीबा के यहाँ। सो वहाँ का मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं वहाँ पे मेरे दोस्तों के यहाँ रुक रहा था, और वो कहाँ मैं वहाँ पे होटल ही नहीं है बेशारिक में, तो वहाँ कैसे रुकूँ मैं। उन्होंने कहा कि कैसे भी आप रुको, आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हो। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था खुद रजिस्टर कर सकते पर डे, एक कुछ उनकी वेबसाइट है, प्रोबेबली मैं लिंक में डाल दूँगा, आपको दिक्कत ना आए करके, तो आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हो। मुझे तो पता ही नहीं था, सो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ पढ़ा ही रहा था, आपके ही बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं खुद के लिए थोड़ी रुका था। उनका वहाँ ठीक है, थोड़ी देर बहस करी, फिर बोला जाने दो, फिर नेक्स्ट अगली बार आओगे तो फाइन लगाएंगे, यूँ मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत तगड़ी फ़ाइन लगेगी, 20 लाख सोम की, लगभग 14,000 रुपये की फ़ाइन लगेगी अगर अगली बार पकड़े गए तो। सो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच गए, रिपोर्ट नहीं किया वो सही रहा, और एंट्री के किर्गिस्तान की एंट्री बिल्कुल स्मूथ थी, वीज़ा दिखाया, ई वीज़ा दिखाया, और सीधा उन्होंने अंदर ले लिया, ना बुकिंग मांगी होटल बुकिंग, ना फ्लाइट टिकट मांगी, कुछ भी नहीं, तो उसका ई वीज़ा ठीक था। चलते सो गाइस हॉस्टल आ गया हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल सा हॉस्टल है, मतलब गेस्ट हाउस है, हॉस्टल नहीं है, ये एक फैमिली ओन करती है, इन्होंने बंक बेड डाल रखे और ये डाल रखे, और आते इन्होंने जूस दिया, हालांकि ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, फिर भी इन्होंने जूस दिया, बाहर काफ़ी हरा भरा है, अच्छा सा है, तो एक बार नहा वहा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं, देखते हैं। आज फर्स्ट दिन है, मैंने इनको बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं शाम को दूंगा, इनका ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अरे यार मुझे कैंसिल करना है, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, मैंने पैसे निकाल लिए इसके बाद, नो हाँ दे भाई, मेरी भाई कसम से धक धक होने लग गई मेरे यार, ये क्या नाटक कर रहा है, मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया उसके बाद भी टाइम पास कर रहा है, जब मजा के सब मुझे चाहिए सिम कार्ड का पूछना पड़ेगा, सिम मैंने ले ली है 500 रुपये की अनलिमिटेड इंटरनेट है, सिम ले ली है मैंने, बाहर पे मैं आज नहीं जा रहा, अगर कल मैं रुका तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ खास सिटी नहीं लग रही, काफ़ी बोरिंग सी है यार, शायद मैं अकेला पड़ गया हूँ इसलिए बोरिंग लग रही है, कोई होता तो बोरिंग नहीं लगती, देखते हैं अभी चलता हूँ वापस घर की, और कुछ खाता हूँ और हॉस्टल में जाके सोता हूँ। तो गाइस ये सिटी ओश काफ़ी बोरिंग सी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक इंडियन छात्र से बात की, उसने बताया कि 5,000 इंडियन छात्र हैं, तो यहाँ पे आप सबको सब एक इंडियन छात्र की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगी, जो उज़्बेकिस्तान में इज्जत मिलती थी नमस्ते इंडिया वो नहीं मिलेगी, सो प्रॉब्लम मैं कल लीव कर दूंगा, और सुबह मैं माउंटेन जा सकता हूँ, एक बार माउंटेन पर चढ़ाई कर सकता हूँ सुबह प्रॉब्लम ट्राई करूँगा चढ़ाई करने की। सो मैगजीन गया था, एक कोक ले लिया, कोको कोला इसकी आदत पड़ा दी है उन्होंने मुझे, वो नसीबा के घर पर जो बच्चे थे ना वो 24 घंटे चालू रहते थे। सो चलता हूँ हॉस्टल, थोड़ा बहुत मुझे रास्ता याद है, यही है प्रॉब्ली, सिम कार्ड का हो गया और पैसों का हो गया, सो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ गए सिम कार्ड आ गई, सॉर्टेड है। फुटबॉल और बास्केटबॉल बस या वेयर इज गोल, YouTube तेज ना है YouTube, yes nice, आरे समो हाँ, तो यही बच्चे थे।